फोर्थ है स्केल्टल टिश्यू, द स्केल्टल और सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन। स्केल्टल और सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूड्स करता है कार्टिलेज और बोन, विच फॉर्म द इंडो स्केल्टन ऑफ ए वर्टिब्रेट बॉडी, जो कि वर्टिब्रेट बॉडी का इंडो स्केल्टन बनाता है। कार्टिलेज, द कार्टिलेज इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, विच इज कॉम्पैक्ट एंड लेस वैस्कुलर, जो कि कॉम्पैक्ट होता है और लेस वैस्कुलर होता है। इट हैज वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स, इट्स एक्सटेंसिव मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स एंड इज स्लाइटली हार्डेंड बाई कैल्शियम सॉल्ट्स। यह एक्सटेंसिव मटेरियल जो होता है कंपोज होता है प्रोटीन्स का और स्लाइटली हार्डेंट होता है कैल्शियम सॉल्ट से। इट्स मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स इज सॉलिड चीज लाइक एंड फर्म बट ऑल्सो स्लाइटली इलास्टिक, दिस काउंट्स फॉर इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। कार्टिलेज, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज हैज ए डेलीकेट नेटवर्क ऑफ कॉलेजन फाइबर्स। डेलीकेट नेटवर्क होता है कॉलेजन फाइबर्स का एंड लिविंग सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स और लिविंग सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स का। कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रजेंट इन फ्लूड फील्ड स्पेस नोन एज लैक्यूनाए। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो प्रजेंट होते हैं फ्लूड फील्ड स्पेस में, जिसे कि कहते हैं हम लोग क्या, लैक्यूनाए। ब्लड वेसल्स आर अब्सेंट इन द मैट्रिक्स। ब्लड वेसल्स अब्सेंट होते हैं मैट्रिक्स में। कॉन्ड्रोसाइट्स मल्टीप्लाई बाई माइटोसिस। कॉन्ड्रोसाइट्स माइटोसिस के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं एंड हेल्प इन इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, और इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज में मदद करते हैं। दस कार्टिलेज इज कैपेबल ऑफ कंटिन्यूस एंड रैपिड ग्रोथ। इसलिए कार्टिलेज कैपेबल है कंटिन्यूस एंड रैपिड ग्रोथ के में। कार्टिलेज इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। कार्टिलेज निम्न बॉडी पार्ट्स में रहते हैं, ईयर पिन्ना, नोज टिप, एपिग्लॉटिस, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, लोअर एंड्स ऑफ रिब्स एंड रिंग्स ऑफ ट्रैकियाई में विंड पाइप। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। इट स्मूथन सरफेस एट ज्वाइंट्स, और ये ज्वाइंट्स पर स्मूथन सरफेस करते हैं। बोन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सीबल टिश्यू। बोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सीबल टिश्यू है। लाइक कार्टिलेज, कार्टिलेज की तरह ही बोन इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और इट इज पोरस, हाईली वैस्कुलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड एंड रिजिड। बोन क्या होता है, पोरस होता है, हाईली वैस्कुलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड और रिजिड होते हैं। और इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और इसके मैट्रिक्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। एक प्रोटीन इसमें पाया जाता है ऑस्टियोनेक्टिन, दूसरा ऑस्टियोकैल्किन का बना होता है, और तीसरा प्रोटियोग्लाइकन का बना होता है, और चौथा कोलेगन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि बोन के मैट्रिक्स में ये चार प्रोटीन पाए जाते हैं, ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्किन, प्रोटियोग्लाइकन और कोलेगन। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और बोन के जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, सच एज फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फॉस्फेट्स पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, दैट इज हाइड्रोक्सीएप्टाइट, हाइड्रोक्सीएप्टाइट के रूप में। दीज मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द बोन, और यही मिनरल हैं जो कि बोन के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड लैमिलाई। मैट्रिक्स जो होते हैं बोन के वो होते हैं थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के बने हुए होते हैं, जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या, लैमिलाई। ये थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के बने हुए होते हैं मैट्रिक्स। बोन के जो मैट्रिक्स होते हैं वो थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के बने होते हैं, जिसे कहते हैं लैमिलाई। और बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स।
आर प्रजेंट बिटवीन द लैमिलाई, और वो जो बोन सेल्स होते हैं एक ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स, ये प्रजेंट होते हैं लैमिलाई फ्लूड फील्ड स्पेस में। लैमिलाई के जो फ्लूड फील्ड स्पेस होते हैं उसमें प्रजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स नहीं तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल्स, जिसको कि कहते हैं लैक्यूनाई। इसे क्या कहते हैं? लैक्यूनाई। और ऑल लैक्यूनाई ऑफ द बोन कम्युनिकेट्स, और जितने भी बोन के लैक्यूनाई होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से संपर्क साधते हैं विथ ईच अदर बाई ए नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल्स। एक फाइन कैनाल्स होता है नेटवर्क का, जिसको कहते हैं कैनेलिक्यूलाई, जिसे क्या कहते हैं? कैनेलिक्यूलाई। और ईच कैनेलिक्यूलस इज फिल्ड विथ डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ बोन सेल, और प्रत्येक कैनेलिक्यूलस जो होता है वो फिल्ड होता है डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ बोन सेल का। और थ्रू कैनेलिक्यूलाई ईच बोन सेल ऑफ ईच लैक्यूना रिसीव्स फूड एंड ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट वेस्टेज। और जितने भी कैनेलिक्यूलाई होते हैं थ्रू कैनेलिक्यूलाई के द्वारा ही ईच बोन सेल ऑफ ईच लैक्यूना रिसीव्स करते हैं फूड और ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन जो होते हैं बोन सेल वो रिसीव करते हैं कैनेलिक्यूलाई के द्वारा ही, और वेस्ट को एलिमिनेट भी करते हैं किसके द्वारा? कैनेलिक्यूलाई के द्वारा ही। फंक्शन ऑफ बोन। बोन फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन बीइंग्स। बोन जो है एंडोस्केलेटन फॉर्म करता है ह्यूमन बीइंग्स में एंड अदर वर्टिब्रेट्स, और दूसरे वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट द शार्क, शार्क को छोड़कर। इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, दूसरा प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, तीसरा प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन्स सच एज ब्रेन लंग्स ईटीसी, चौथा सर्व्स एज ए स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरट, और पांचवा एंकर्स द मसल्स। बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस देखते हैं। बोन जो होता है वो हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, बोन पोरस होते हैं, कार्टिलेज नॉन पोरस। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं बोन में, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स बोन में, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, और मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और मैट्रिक्स प्रोटीन के बने होते हैं कार्टिलेज में।